get out of your comfort zone now. फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देगी। आज बात करेंगे कंफर्ट जोन क्या है। कंफर्ट जोन वो है जिसमें कि रूटीन है, जिसमें कि प्रोग्रेस नहीं है, आप बढ़ते नहीं हैं, सड़ते हैं। दैट्स राइट, यू स्टॉप ग्रोइंग, यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल इन व्हाट आर यू डूइंग, रूटीन में काम करते रहते हैं, ये है आपका कंफर्ट जोन। और जैसे जैसे आप इस कंफर्ट जोन में जाते हैं तो आपको वही चीज़ें जो आप रोज कर रहे हैं, वही चीज़ें आपको और कम प्लेजर देती हैं, कम कंफर्ट देती हैं। मान लीजिए कोई आपको एक दिन में, कोई आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हैं, दो मूवी देखते हैं एक दिन में, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब आपको चार देखनी पड़ेंगी तब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये है जो आपको और भी लेजी बना देगी और भी कंफर्टेबल बना देगी। इसमें ग्रोथ नहीं है एब्सोल्युटली। तो क्या करें, उठें अपने कंफर्ट जोन से, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड डू समथिंग डिफिकल्ट, डू समथिंग न्यू, चैलेंज योरसेल्फ। रोज कुछ डिफिकल्ट करने की सोचें। जो काम नहीं करने को मन करता है, एक करने की कोशिश कीजिए। अपने चैलेंज को बिट बाय बिट बढ़ाएं। जैसे कि अगर मान लो आप जिम ट्रेनिंग करते हैं, तो अगर आप 20 किलो से आज शुरू कर रहे हैं तो उसको अगले दिन 22 किलो कीजिए। उस चैलेंज को बढ़ाएंगे तो आप अपने कंफर्ट जोन से आराम से बाहर निकल पाएंगे। क्या ये चैलेंज आपको स्ट्रांग बनाते हैं? यस, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझिए और वो आपको बनाएंगे स्ट्रांग। जितने भी आपके कंफर्ट जोन हैं, 8, 10, 20 जो भी हैं, टेक वन और टू ऑफ देम एंड बिगिन योर वर्क, स्टार्ट योर वर्क, दैट इज इम्पॉर्टेंट। टेक वन स्टेप, ए जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन विद वन स्टेप, टेक द एक्शन। अब ये कैसे लिया एक्शन? तीन तरीके से एक्शन लिए जा सकते हैं। पहला तो कंसिस्टेंटली काम कीजिए, कि जैसे मान लीजिए रनिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपने बहुत बड़ा गाइगेंटिक लंबा चौड़ा रनिंग का प्रोग्राम नहीं बनाना है, छोटा प्रोग्राम बनाएं, हफ्ते में 3 बारी करें और लगातार करें। उसके बाद आप 3 से उसको 4 दिन पर भी कर दीजिए, ये कंसिस्टेंसी को बढ़ाएगा। और अगर आप सीधा भाग रहे हैं तो उसको आप इंटेंसली कीजिए। ये दूसरा तरीका है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, कि इंटेंसली कीजिए। मतलब कहने का है कि अगर आप प्लेन रोड पे भाग रहे हैं तो आप अपहिल के ऊपर चलना शुरू कीजिए, उससे आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी काम करने की। और लॉन्गर टाइम कीजिए। लॉन्गर टाइम का मतलब है कि अगर आपने 20 मिनट पर डे का बनाया है प्रोग्राम रन करने का, उसको 30 मिनट कर दीजिए। इससे आपका जो है माइंडसेट चेंज होगा, आपकी हैबिट बनेगी और वो चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखो, कोई भी कंफर्ट जोन से निकलने के लिए जो भी आप करना चाहते हो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखो तो फ़ायदे में रहोगे। फॉर एग्जांपल, आप शुगर को अपनी डाइट से निकाल दो तो लॉन्ग टर्म में जो है आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, आपका हार्ट रेट बढ़िया चलेगा। और कोई भी काम सीखते हैं नया करने के लिए, तो वो काम पर डिपेंड करेगा कि उसको आपने हफ्ते में 1 बारी करना है, 2 बारी करना है, या 1 बारी में ज़्यादा करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ बजाना सीखना चाहते हैं, जैसे कि फ्लूट, बांसुरी बजाना सीखना चाहते हैं, तो अगर आप उसको हफ्ते में 1 घंटा सीखेंगे तो ज़्यादा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सो रेगुलरली अगर आप उसको 20 मिनट भी रोज सीखेंगे तो दैट वे यू कैन लर्न हाउ टू प्ले अ फ्लूट। बांसुरी बजाने का तरीका भी अलग रहेगा। और मैंने तो सीखा है अपनी लाइफ से, जब भी आपको डर लगे अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए तो आपको उसको फेस कीजिए। फेस द फियर इज़ माय मोटो। सीधा अगर आप ग्रेजुअली बिट बाय बिट छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे नहीं जाएंगे तो आप अपने कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन में तो आ जाएंगे, बट अगर आप बहुत फास्ट चलेंगे तो आप डेंजर जोन में भी चले जाएंगे। और वो डेंजर जोन में जाने के बाद में आपको डर लगेगा और उसी डर की वजह से आप वापस अपने कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, और फिर अगली बारी आपको आपका माइंडसेट आपका साथ नहीं देगा और दोबारा आप एफर्ट नहीं करेंगे कंफर्ट जोन से निकलने के लिए। तो बेबी स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है।
आपका जो बिलीफ है ये हो जाता है कि मैं ये तो गया ठीक, मैंने स्टार्ट किया कोई नया काम कंफर्ट जोन से निकल के, कोई आप नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या नया कोर्स अपस्किलिंग करना चाहते हैं या कोई नया जॉब करना चाहते हैं या साइड हसल करना चाहते हैं, बट आप बहुत लंबी छलांग मार देते हैं एक बारी में, जिसकी वजह से आपको डेंजर जोन में जाना पड़ सकता है और वहाँ आपको डर लगता है और वो फिर आपका डर जो है आपके बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है कि मैं तो एक फेलियर हो गया हूँ, बन गया हूँ। इसीलिए बेबी स्टेप्स लेना ज़रूरी है और बेबी स्टेप्स लेके आपको फ़ायदा ये होगा कि छोटा सक्सेस मिलेगा आपको, तो उससे एक आपका फीडबैक लूप, इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाएगा, आपको अच्छा लगेगा काम करके और छोटा सक्सेस मिलेगा, उसके बाद में वो प्रूफ मिलेगा आपको चेंज का, और उसके बाद में आपको स्मॉल सक्सेस मिलेगा, फिर यू विल फील गुड एंड दिस विल कंटिन्यू। तो आपने क्या करना है कि जो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं तो उसको आप ग्रेजुअली इंक्रीज, उसकी डिफ़िकल्टी को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं तो उसको ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड टाइम करेंगे तो उस तरीके से आपकी ग्रोथ पक्का है। ये कमाल है हमारी विल पावर और माइंडसेट का, ये चीज़ें हमें अपने में डालनी है। और इससे मिलेगा क्या हमारे को कंफर्ट जोन से निकलने से? हमको मिलेगा पर्सनल ग्रोथ, लर्निंग एंड सक्सेस, दैट इज़ राइट। और बाहर निकलने से कंफर्ट जोन के से होती है एंग्जाइटी। तो एक यर्क्स एंड डॉडसन ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें माइस जो हैं उनको थोड़ा शॉक दिया गया तो उन्होंने अपना टास्क पूरा कर लिया, और थोड़ी एंग्जाइटी मतलब ऑप्टिमल लेवल ऑफ एंग्जाइटी अगर हमको मिलती है तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने काम को पूरा नया काम कर सकते हैं, बट अगर ज़्यादा शॉक मिलेगा तो वो माइस भी जो है उनको वो डर के भाग जाती हैं। ये यर्क्स एंड डॉडसन ने पाया कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रेशर और एंग्जाइटी इज़ नेसेसरी एंड दैट इंक्रीजेस आवर परफॉर्मेंस, बट ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो दैट विल बी नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे, इट विल बी काउंटर टू वॉट यू वॉन्ट टू डू, वो आपके बेनिफिट को फिनिश कर देगा। आपके बेनिफिट क्या हैं आपके कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने के? आपका पोटेंशियल, जो ट्रू पोटेंशियल है वो आप देख सकते हैं, आप जो है अपने गोल्स को रीच कर सकते हैं और एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। एक कमाल की चीज़ है, जैसे हमारे मसल्स हैं वो उनको आप ग्रेजुअली ट्रेन करते हैं तो वो रेजिलिएंट हो जाते हैं, उनमें एक पावर आ जाती है जो आपको हमेशा हेल्प करती है एट द टाइम ऑफ नीड। और अगर मसल्स को आप यूज़ नहीं करेंगे तो मसल्स में आ जाएगी मसल्स एट्रोफी, मतलब कि वो मसल्स जो है वीक हो जाएंगे और आप बीमारियाँ आपके बॉडी में घर कर जाएंगी। एक रीज़न और भी है कि हम चाहते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकलें और ग्रोथ की तरफ बढ़ें, उससे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। मैस्लोज हायरार्की की एक लॉ है ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो आपका पोटेंशियल है, जो आप कैपेबल हैं बनने के, वो आप बन सकते हैं। यू बिकम मोर ऑफ वॉट यू आर कैपेबल ऑफ, दिस इज़ वॉट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज ऑल अबाउट। सो How do we go step by step to go get out of our comfort zone? Number one is write these goals down. आप कैसा उसके बारे में फील करते हैं, कैसा आप उसके बारे में फील करेंगे अगर आप वो गोल अचीव कर लें, स्मार्ट गोल बनाएं, और उसके बाद में एक जर्नी जो है आपकी थाउजेंड माइल्स की एक स्टेप से शुरू होती है, मतलब एक्शन शुरू लें और देखें कि आपका जो ऑप्टिमल एंग्जाइटी आपके लिए क्या है, आपका स्वीट स्पॉट क्या है, उसको आप जानने की कोशिश करें और उसके बाद हर चीज़ में ऑप्टिमिज्म डालें कि यस आई कैन डू इट। और साथ में एक मेंटर, आप सपोर्ट मेंटर जो आपका एक्टिविटी पार्टनर मिल जाए तो और भी अच्छा है। थिंक इट एज ए फन, विजुलाइज, सेलिब्रेट एवरी सक्सेस एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग, ये हैं आपके लिए टिप्स। और मुझे लगता है कि ये सेम चीज़ मैंने भी अपने लाइफ में डाल दी है। आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग एंड वर्क ऑन द इंटरनेट फॉर 2 hours टिल 6 AM, देन आई गो टू स्लीप, गेट अप एट 8 o'clock एंड देन आई डू माई नॉर्मल डेज वर्क। सो ये जो एक्स्ट्रा चैलेंज मैंने लिया है दैट इज़ रियली हेल्पिंग मी टू गेट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन। आप भी अपने कम्फर्ट जोन से बाहर जाना चाहेंगे तो इस वीडियो को एक बारी और देखिए।
Thank you for watching, and if you like this video, please subscribe and share with your friends and family. Goodbye.